हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टिया स्टीन कॉरिडोर। और मैं हूँ टिया। तो वीडियो के शुरुआत में ही देखिए, ये है इंडियन ऑर्किड ट्री और ये विंटर में ब्लूम करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट हो गया ब्लूमिंग। ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं। आप लोगों ने ये सड़क के पार में भी देखा होगा, रास्ते के आजू बाजू भी ये उगता है। तो मेरे घर ये ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया। तो अभी विंटर गार्डनिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैंने भी कुछ किया है, थोड़ा बहुत, अभी जितना हो सकता है। हमारे यहाँ तो अभी काफ़ी गर्मी है, लेकिन मौसम अच्छा हुआ है पहले से। बोगनविलिया भी काफी अच्छे से ब्लूम करने लगे है, देखिए। और ये तो खैर पूरे साल ही मेरे यहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं, गेंदे का फूल मैंने लगाया है और यहाँ डालिया लगाए हैं। अभी छोटे छोटे पौधे हैं, तो अभी तो ये बड़े होने में टाइम लगेगा। और यहाँ कुछ हिबिस्कस भी हुए हैं। तो इस तरह सारे मैंने अपने गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं। लगता है जगह चेंज करना पड़ेगा। धूप तो यहाँ बहुत पूरा दिन आता है, लेकिन अभी लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे ही मैं इसका प्लेस भी चेंज करूँगी। तो ये सब ड्रॉप वैरायटी के ही ज़्यादातर है। इस साल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है गुलदाउदी। और अभी जो है पिटूनिया थोड़े बहुत लगाए हैं और ये ब्लूमिंग भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, आज मैं कई सारे सीडलिंग्स लाई हूँ, इम्प्रेशन, फिर एस्टर और काफ़ी सारे, नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो जब मैं इनको लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये देख सकते हैं, विंटर के लिए मैंने ग्रीन मैट फिर से लगा दिया। ये विंटर में बहुत अच्छा लगता है देखने में। रेनी सीजन में मैं उठा देती हूँ और विंटर में फिर से लगा देती हूँ। तो दोस्तों, यही कुछ था अभी गार्डन का हाल। इस तरफ सारे गुलाब लगाए हुए हैं और भी कुछ गुलाब नीचे रखे हुए हैं, वो उनको ऊपर लाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, कई सारे रोजेस हुए भी हैं, बहुत सारे लगभग। तो रोजेस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तभी बहुत कम बाकी है, तो जितना हुआ है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ये जो एरिया है ये पूरा चेंज होगा, यहाँ सारे विंटर्स के प्लांट लगाऊंगी और ये सब हटा दूंगी ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये विंटर के प्लांट जब अच्छे से बड़े होंगे और फ्लावरिंग करेंगे तब
तब लगेगा कि हाँ चलो इतना मेहनत सफल हुआ। ये हिबिस्कस देखिए कितना खूबसूरत कलर है। हिबिस्कस मैंने यहाँ बहुत वैरायटी के हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।